शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील ग्राम शिवराज के एक स्कूल के आगे पानी भरा हुआ है। ऐसे में बच्चों को निकलने में बहुत परेशानी आ रही है। बच्चों के माँ बाप का कहना है कि हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि पानी जितना भरा हुआ है उसमें जहरीले सांप कीड़ों ने अगर बच्चों को काट लिया तो बच्चों की जान भी जा सकती है। हमारा कहना है कि उसमें जल्द से जल्द कार्य करवाया जाए। हम प्रशासन, सरपंच, सेकेंडरी सीआईओ और विधायक को भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी किसी ने नहीं सुनी है। क्या आप पढ़ने आते हो तो यहाँ कीचड़ कितनी मची हुई है बताओ? बहुत मची हुई है। आपको निकलने में दिक्कत होती है? हाँ। कितनी दिक्कत होती है? बहुत होती है। और मास्टर टाइम से आ रहे हैं अपने टीचर? हाँ। आ रहे हैं? हाँ। ठीक है जी, चलो ठीक है। आगे कौन हूँ? हम यहाँ के प्राथमिक शिक्षक। अच्छा, और यहाँ पे कीचड़ मचा है, अभी कुछ दिन पहले काम लगाया था सरपंच साहब ने, यहाँ पे ये आगे क्यों नहीं डलवाया? हमने उनसे बोला था, क्योंकि उन्होंने करवाया नहीं तो अब उसमें अपन जाना बोल ही नहीं सकते। अच्छा, और स्कूल प्रशासन को भी बोला है, हाँ, कार्रवाई होगी। आपके बच्चे स्कूल में आते हैं, कीचड़ कितनी मची है, आपने कुछ कहा सरपंच से? घुटने से मतलब ऊपर हो जाते हैं और बहुत परेशानी आ रही है। बोला था कि यहाँ पे मतलब जब सीओ साहब ने सारे लोगों को ऊपर ही राय साहब से भी कहा कि इसको सुधरवाओ, यहाँ स्थिति स्कूल की बहुत बेकार खराब हो रही है, बच्चे नहीं आ पाते अंदर। अच्छा, अभी 15 अगस्त आने वाली है, आगे का क्या प्लान है? यहाँ पे तो बच्ची कहाँ बैठेंगे, कहाँ से क्या होगा, कहाँ पर झंडा बंधन होगा, कहाँ से निकल नहीं पा रहे बच्चे, तो क्या होगा भाई? आप क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि स्थिति सुधर जाए स्कूल की, और मार्ट साहब है ये जो पदस्थ आ गए हैं टीचर लोग, तो इंटरव्यू टाइम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर भी सुधर जाए, बच्चे परेशान है पूरे।